बात करें अगर तो वो मुकेश अग्निहोत्री को लेकर हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम बड़े दिनों से दिल्ली जाना चाह रहे थे, बीच में इनको बुलाया भी गया था, लेकिन अब ये दिल्ली पहुंचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, कर्नाटक के डिप्टी सीएम जो हैं उनसे मुलाकात की दिल्ली में उन्होंने, और बाकी जो हाईकमान के नेता हैं उनसे भी मुलाकात की। कांग्रेस सरकार ने जो गारंटियों को लेकर अभी तक कितने फैसले हिमाचल में ले लिए हैं उससे हाईकमान को अपडेट कराया, उसमें ओल्ड पेंशन भी एक मैटर है, और जो बाकी सारे मामले हैं उनकी भी जानकारी दी। कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिवकुमार, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में पता लगेंगी कि जो इस मुलाकात के दौरान और क्या क्या हुआ है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार का भी इंतजार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक बात जो कांग्रेस में अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री वापस आएंगे उसके बाद सारी एक्टिविटी जो है वो फिर से गति पकड़ेगी। जहां तक रुके रिजल्ट की बात है तो वो एक बड़ी अपडेट, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से पोस्ट कोड के मामले में जिनमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है वो भी चाहते हैं कि जिनकी जो विजिलेंस जांच से बाहर के मामले हैं वो जल्दी हो जाएं। लेकिन कल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, इसको हाई पावर कमेटी कहा जा रहा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, और इस बैठक को इस मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित जो पुराने मामले हाईकोर्ट में चल रहे थे, और इसमें से बहुत सारे मामले इवैल्यूएशन के वक्त के हैं जब 15 नंबर से इवैल्यूएशन करते थे, और कुछ जो हैं वो मेरिट में बदलाव को लेकर हैं जिन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो चुका है और कर्मचारी जो हैं वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनमें हाईकोर्ट से फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों को इंप्लीमेंट कौन करेगा ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेजेंटली जो ओएसडी बनाए गए हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, उनको उस वर्किंग का पता है नहीं, ना उनके पास उस तरह का स्टाफ अवेलेबल है जो वहां रिकॉर्ड को देख सके। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट से फैसले आ रहे हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित, उनको लागू कौन करेगा, इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। साथ में जो अभी भर्तियां रुकी हुई हैं, मतलब जो प्रोसेस में हमीरपुर में चल रही थी, बाद में लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर होनी थी, और जो विजिलेंस इंक्वायरी से बाहर हैं उनको लेकर भी बात होगी, और जो विजिलेंस इंक्वायरी के अंदर हैं उनको लेकर भी बात होगी। इनमें से 22 में से 5 पोस्ट कोड विजिलेंस ने छोड़ दिए थे, बाकी सारे 17 पोस्ट कोड जो है वो विजिलेंस के पास हैं अभी, उनको लेकर भी बात होगी। इसीलिए मुख्य सचिव ने कल की बैठक में विजिलेंस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं भरत खेड़ा, उनको बुलाया है, जो इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे शिक्षा सचिव अभिषेक जैन, उनको बुलाया है, जो डीजीपी हैं सतवंत अटवाल, उनको बुलाया है, और उनके साथ साथ लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी बुलाए गए हैं, ओएसडी हमीरपुर वाले वो बुलाए गए हैं, लॉ के लोग उसमें होंगे विधि विभाग के, और बाकी जो कंसर्न जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी इस बैठक में होंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कुछ भर्तियों के मामले में तेजी दिखाई है, अभी तक 5 रिजल्ट आ गए हैं, 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शेड्यूल आ गया है, लेकिन अब आगे जो व्यवस्था चलनी है उसको लेकर कल की बैठक में कोई जो रास्ता है वो निकलेगा, ऐसी उम्मीद है। घर बैठे अगर अब आप लर्निंग लाइसेंस पा सकते हैं, एक बड़ी खबर, जो चीजें जब ऑनलाइन हो जाती हैं, आधार से कनेक्ट हो जाती हैं, तो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के माध्यम से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य सरकार ने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि आरटीओ के माध्यम से अब लर्नर लाइसेंस अगर आपने ड्राइविंग का बनाना है, अगर आपकी एज जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की हो गई है, तो अपने घर से ही आप मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी सुगम केंद्र में जाने की जरूरत नहीं है, किसी आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, किसी एसडीएम ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। जब ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके बाद जब लाइसेंस फाइनल होगा तब आपको वहां फिजिकली जाना है, अदरवाइज लर्निंग लाइसेंस के लिए अब जाने की जरूरत नहीं है। ये हिमाचल में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, और आज सरकार की तरफ से ऑफिशियली इसका एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई है कि यहां इस जो सिस्टम को अब हिमाचल में इफेक्टिवली लागू किया जा रहा है। जहां तक बात एनपीएस रिटायरी क्यों उलझे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वजह यह है कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो ओल्ड पेंशन में शिफ्ट हुए हैं एनपीएस से, उनको लेकर जो उनका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है स्टेट गवर्नमेंट वाला, उसको कैलकुलेट करने के लिए डीडीओ काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि डीडीओ फार्मूला नहीं है पता उनको कि कैसे कैलकुलेट करना है, और जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस के लोग हैं वो भी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने एक खबर छापी थी, खबर के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, और जिनका, क्योंकि इसमें जो एनपीएस एसोसिएशन के जो महासचिव हैं भरत शर्मा, उनका भी वर्जन छपा था, तो फिर उन्हीं से ये पूछा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि इस खबर में आपका नाम है तो आप ये बताइए कि कौन ये नहीं बता रहा है, कि कौन डीडीओ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद उन्होंने जानकारी उसकी दी, फिर उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस अक्षय सूद ने इसकी एक बैठक करनी थी, आज ही वो वापस छुट्टी से आए हैं। लेकिन अब एक नई बात ये पता लगी है कि अब जो रिटायरी हो रहे हैं, क्योंकि आज 30 जून है देखिए, और इसमें एनपीएस के आज की डेट में बहुत से कर्मचारी रिटायर भी होंगे, जो भी रिटायर हो रहे हैं उनको सबसे पहले समस्या ये आ रही है कि वो राज्य सरकार का जो, क्योंकि अगर आपको ओल्ड पेंशन लेनी है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है वो आपको सारा लौटाना है डिविडेंड
के को जोड़ते हुए, तो उसको कैलकुलेट कौन करेगा? पहले हिस्सेदारी 10% थी, फिर 14% हो गई, बीच में कुछ इंटरेस्ट भी लगा होगा, कोई डिविडेंड भी लगा होगा, या फिर विड्रॉल भी किया होगा, तो वो सारा कैलकुलेट करके देना है ताकि कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान उसको सरकार को वापस करके अपना एनरोलमेंट ओपीएस में कर सके। ये नहीं हो रहा है। आज की डेट में जो रिटायर हो रहे हैं वो भी परेशान है कर्मचारी, क्योंकि कम से कम 7 की जो फोन कॉल्स हमें भी आई, और उसके बाद हमने ही बल्कि सेक्रेटरी जो फाइनेंस है उनको भी इसकी जानकारी दी। अब एक नई बात ये की गई है कि जो इफेक्टेड हैं, मतलब जो अभी रिटायर हुए हैं और जिनके डीडीओ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इसको, तो उनको रिप्रेजेंट करने को कहा गया है। फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऑर्डर पास करेगा जो सभी डीडीओज के लिए होगा कि उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से करनी है और किस तरह से वो ओल्ड पेंशन में शिफ्ट होंगे। लेकिन क्योंकि अभी दिक्कत यह है कि जो कैलकुलेशन है वो किसी ने अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं की है, जो आरटीआई के माध्यम से भी एनएसडीएल से डाटा लिया जा रहा है, क्योंकि डीडीओज को इसका एक तरह से अनुभव ही नहीं है। और ये मामला ऐसा होता है कि अगर कोई रिकवरी बच गई, हालांकि जो एसओपी जारी हुई है उसमें लिखा गया है कि अगर रिकवरी में बाद में ऐसा लगा कि कर्मचारी से कुछ और लेने को है तो वो पेंशन से काट लिया जाएगा, तो वो तो रिस्क कवर है उसमें। लेकिन डीडीओ कम से कम अपनी जिम्मेदारी तय होने से शायद बच रहे हैं, और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि जो रिटायरी अभी हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो कैलकुलेशन नहीं हो रही है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, और जब ये रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइनेंस पर इसमें ऑर्डर पास करेगा जो सबके लिए होगा। सीएम सुक्खू ने एक बड़ा धमाका किया है, पहले कहा जा रहा था लेकिन अब नोटिफिकेशन हो गई है और भी कैबिनेट सब कमेटी बन गई है। हिमाचल का बीबीएमबी के गठन के बाद एक शेयर बीबीएमबी में था ऑल पार्टनर स्टेट्स में, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल भी उसका एक पार्ट है। लेकिन जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हुई, जिसको पंजाब भी बात कर रहा है कि शानन प्रोजेक्ट हमने इसलिए नहीं लौटाना है क्योंकि वो लीज का मसला नहीं है, वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमें ट्रांसफर हुआ है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि हिमाचल कह रहा है कि ऐसा नहीं है। बीबीएमबी से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो आपकी रॉयल्टी, क्योंकि बीबीएमबी के प्रोजेक्ट ऐसे वक्त में बने थे जब रॉयल्टी का कंसेप्ट था नहीं, और अब बीबीएमबी के प्रोजेक्ट प्योर मुनाफा कमा रहे हैं अपने स्टेट्स की बिजली के लिए, लेकिन हिमाचल कह रहा है कि हमें रॉयल्टी दीजिए या फिर बिजली में शेयर बढ़ाइए। अब वो ऐसा नहीं करें तो दूसरी जो चीज़ है वो ये शुरू हो गई है कि चंडीगढ़ में हिमाचल को 7.19% हिस्सा चाहिए, जो अब तक नहीं मिला और ना ही किसी मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया एटलीस्ट लड़ाई के तौर पर। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, और ये जो कैबिनेट सब कमेटी है ये क्या काम करेगी ये भी देखिए। कैबिनेट सब कमेटी टू लुक इनटू द क्लेम्स ऑफ हिमाचल फॉर इट्स शेयर इन बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स एंड चंडीगढ़ यूटी अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड अदर इंटर स्टेट एग्रीमेंट विच विल कंप्राइज ऑफ श्री चंद्र कुमार, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन चौहान इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, जगत सिंह नेगी रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, और मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है इस सब कमेटी में एमपीपी एंड पावर के सेक्रेटरी को। तो ये पहली बार राज्य सरकार के स्तर पर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ है, और वो गठन हुआ है चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर, और ये क्लेम पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ओपन किया है, मतलब ओपन इन द सेंस की सबको बोल के किया है। और अब जब पंजाब के साथ डेफिनेटली कोर्ट में लड़ाई शुरू होगी शानन प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि अगले साल वो लीज पूरी हो रही है, और हिमाचल ये चाहता है कि बिना किसी लड़ाई के केंद्र सरकार इसमें मदद करे, क्योंकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में केंद्र के पास अधिकार है, और उस वक्त भी जब नोटिफिकेशन हुई थी तो इसी आधार पर शानन उनको दिया गया था, क्योंकि हिमाचल के पास ना तो बिजली बोर्ड था ना कोई पावर कॉरपोरेशन थी। तो ये लड़ाई अब ना केवल शानन प्रोजेक्ट की होगी लेकिन हिमाचल के हितों के लिए चंडीगढ़ में भी हम 7.19% की हिस्सेदारी अब क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी को यह मैंडेट दिया गया है कि वो हिमाचल के प्रॉपर्टी या हिमाचल की हिस्सेदारी चंडीगढ़ में एंश्योर करे और रिपोर्ट दे सरकार को। सरकार की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार से इस मामले को उठाया जाएगा और बीबीएमबी के बीच में जो हमारा हिस्सा बनता है उसको लेने के लिए सरकार फिर काम करेगी। इसके बाद जयराम सरकार का एक फैसला पलटा है दोबारा से, पिछली कैबिनेट का यह फैसला था लेकिन हम भी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। नोटिफिकेशन अब एक ही आ गई है, एक ही बाकी है। मसला है टेकन ओवर किए गए डिग्री कॉलेजेस का। जयराम सरकार जब थी तो 17 जून 2021 को डंगार में, घुमारवीं के डंगार में संस्कृत कॉलेज एक था, उसको टेकन ओवर किया गया, सरकारी बना लिया गया, प्राइवेट कॉलेज था लेकिन इनके स्टाफ को टेक ओवर नहीं किया गया। दूसरा कॉलेज था सुबाथू सोलन का, ये आता है केडी जो ये सुल्तानपुरी या विनोद सुल्तानपुरी इनकी कंस्टिट्यूंसी में। इस कॉलेज को जयराम सरकार ने 14 अक्टूबर 2022 को टेक ओवर किया और ठीक एक दिन पहले, क्योंकि 15 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लग गई थी, लेकिन इस कॉलेज का जो स्टाफ था वो टेक ओवर हो गया था और जो ये डंगार कॉलेज है इसका स्टाफ टेक ओवर नहीं हुआ था लेकिन सरकार ने इस कॉलेज को ले लिया था। अब पिछली कैबिनेट में राज्य सरकार ने इन दोनों कॉलेजेस का जो टेकन ओवर था वो डिसीजन रद्द कर दिया है, मतलब जो टेकन ओवर हुआ है सुबाथू कॉलेज का स्टाफ भी वो टर्मिनेट होगा, और जो डंगार कॉलेज है उसके लिए नोटिफिकेशन हो गई है। सुबाथू कॉलेज के लिए जो नोटिफिकेशन है वो मंत्री महोदय ने साइन कर दी है, अभी इसकी नोटिफिकेशन फाइनल होना बाकी है, इनके जो शिक्षा सचिव है उनके दफ्तर से अभी नहीं निकली है। एनटीटी पर दिल्ली में एक बड़ी हलचल है, उसकी बात कर लें। आपको हमने आपको बताया
जैसा कि शिक्षा मंत्री ने जो पिछली समीक्षा बैठक की थी उस समीक्षा बैठक के दौरान ये डिसीजन लिया था कि जो ये जो एंटिटी को लेकर एक पॉलिसी बनानी है, भर्ती करनी है, उसमें पहले एक बार दोबारा से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCTE के पास समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से भेजा जाएगा और स्पेशल मैसेंजर के माध्यम से जाने के बाद जो है जो बात जो वहाँ भेजा जाएगा तो वहाँ पर बात की जाएगी कि एंटिटी का फॉर्मेट रहेगा क्या और एंटिटी को किस तरह से लागू करना है। आज राजेश शर्मा जो समग्र शिक्षा के डायरेक्टर हैं वो दिल्ली में हैं, पहले उन्होंने मंत्रालय में बात कर ली है, उसके बाद NCTE में अभी शाम को मिलना था, फिर पता लगेगा कि वो किस पॉलिसी को लेकर एग्री होते हैं। वैसे 50 करोड़ के आसपास का बजट है जिस ये भर्ती होनी है और उसके बाद आगे चीज़ें चलेंगी। जहां तक अभी तक की कोशिश है भारत सरकार के मंत्रालय में भी बातचीत में या दो तरह के मॉडल सामने आए हैं, एक तो चंडीगढ़ का मॉडल UT का और एक दिल्ली सरकार का, लेकिन दोनों में ही जो सूचना है उसके मुताबिक 2 साल का जो डिप्लोमा है उसी तरफ को बात जारी है। इवन DEC में भी 2 साल का ही उसमें जो सामने आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी फाइनल नहीं है इसलिए हम इसकी विस्तार से डिटेल में नहीं जाएंगे जब तक फाइनल चीजें नहीं हो जाती और सरकार जब आके इसको फिर क्योंकि रिपोर्ट देंगे वो मंत्री को, मंत्री फिर 1 तारीख को कल वापस आ रहे हैं, उसके बाद अपने विभाग की रिव्यू भी करेंगे और फिर अगली कैबिनेट से पहले यह तय होगा कि इसमें आगे होना क्या है। इन सारी चीजों के साथ क्योंकि अभी एंटिटी को लेकर जो भर्ती है या बाकी चीजें हैं उनको लेकर जो आगे सरकार ने बढ़ना है इसीलिए एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के साथ, ताकि जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन की तरफ जो अब फर्म कदम बढ़ाया जा सके, क्योंकि चर्चा बहुत हो गई, ड्राफ्ट बहुत बन लिए लेकिन चीजें फाइनल नहीं हो पा रही हैं।